नमस्कार दोस्तों, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी छतरपुर मध्य प्रदेश, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट पीएचडी प्रवेश परीक्षा का ये सिलेबस है। तो आइए देखते हैं डिटेल इसमें। एज पर क्लॉज 9A ऑफ न्यू ऑर्डिनेंस नंबर 11 डॉक्टरल इंट्रेंस टेस्ट DET सिलेबस 2022-23 रिसर्च मैथोडोलॉजी अनुसंधान क्रियाविधि या अनुसंधान प्रविधि या शोध प्रविधि, जो आपका पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स का रहेगा। और इसमें जो डिटेल है उसमें सिलेबस डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स कैरीज 100 मार्क्स ओनली। पार्ट ए रिसर्च मैथोडोलॉजी 50 मार्क्स, पार्ट बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट 50 मार्क्स। सिलेबस विल बी इक्वली डिवाइडेड अमॉन्ग ऑल 5 यूनिट्स। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। क्वेश्चन शैल बी आस्ड 10 मार्क्स फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ पार्ट ए एंड बी। इसमें है 2 भागों में विभाजित पाठ्यक्रम केवल 100 अंक का होगा। भाग ए अनुसंधान प्रविधि 50 अंक का, तो पार्ट ए जो है रिसर्च मैथोडोलॉजी से होगा, 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स का रहेगा। पार्ट बी विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स का रहेगा। पाठ्यक्रम को सभी 5 इकाइयों में समान रूप से विभाजित किया गया है, तो पार्ट ए और पार्ट बी में जो है 5 यूनिट्स हैं। कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा, कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। भाग ए और बी की प्रत्येक इकाई से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी हर यूनिट से 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। आइए आगे देखते हैं इसमें। भाग एक पार्ट ए रिसर्च मैथोडोलॉजी यानी अनुसंधान क्रियाविधि या शोध प्रविधि, इसमें से 50 नंबर का टोटल क्वेश्चन आएगा, 50 मार्क्स रहेंगे। इस पार्ट में जो यूनिट्स हैं, यूनिट फर्स्ट है आप देख सकते हैं शोध योग्यता, उसमें जो टॉपिक्स हैं। फिर इस प्रकार से यूनिट सेकंड है शोध क्षमता और उसमें जो भी पॉइंट्स हैं। फिर यूनिट थर्ड है डाटा व्याख्या यानी डाटा का संग्रह, इससे रिलेटेड है यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ में है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी संख्यात्मक अभियोग्यता और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं। फिर आएँ तो यूनिट फिफ्थ है रिसर्च रिपोर्ट यानी शोध रिपोर्ट, इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट है। तो इन सभी पॉइंटों को आपको अच्छे से तैयार करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं आपको मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो आपके पास अगर रेफरेंस बुक है तो आप पॉइंट्स को सर्च कर सकते हैं या इंटरनेट की सहायता से इन पॉइंट्स को सर्च कर सकते हैं आप। फिर अब आते हैं सेकंड पार्ट है सब्जेक्ट का, और ये सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी इतिहास का। इस पार्ट बी में टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर का रहेगा। तो डिटेल देख लेते हैं क्या सिलेबस है हिस्ट्री का। तो इसमें पार्ट बी में यूनिट फर्स्ट जो है उसमें डेफिनेशन स्कोप एंड नेचर ऑफ हिस्ट्री है, यानी इतिहास की परिभाषा क्षेत्र प्रकृति, इससे रिलेटेड बाकी आप पॉइंट्स देख सकते हैं। और देन यूनिट सेकंड है कलेक्शन एंड सिलेक्शन ऑफ डेटा इन हिस्ट्री, इतिहास में डाटा का संग्रह एवं चयन, और बाकी उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं यूनिट सेकंड में। नाउ यूनिट थर्ड में सरस्वती सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, सरस्वती सिंधु सभ्यता का सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन, और उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं आप देख सकते हैं। फिर आते हैं यूनिट फोर्थ में, यूनिट फोर्थ जो है हिंदू रेजिस्टेंस अकबर एंड राजपूत रेजिस्टेंस इन द फर्स्ट एंड सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के प्रथम तथा द्वितीय युद्ध में हिंदू प्रतिरोध, अकबर और राजपूत प्रतिरोध, और बाकी जो पॉइंट हैं यह यूनिट फोर्थ का है। फिर उसके बाद आते हैं यूनिट फिफ्थ में, तो यूनिट फिफ्थ में है पीपल्स एंगर एंड रेजिस्टेंस इन द
कॉलोनियल इंडियन हिस्ट्री यानी औपनिवेशिक भारतीय इतिहास में जन आक्रोश एवं प्रतिरोध से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, ये हैं। तो इस तरह से आपके पांचों यूनिट का ये सिलेबस है और इन पॉइंट्स को भी आप अच्छे से जो है तैयार कर सकते हैं रेफरेंस बुक या इंटरनेट की सहायता से और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।